मेरा फेवरेट कद्दू का जूस। कद्दू का जूस, कद्दू का इतना टेस्टी होता है ना। जितने भी आप जूस पी होंगे आज तक ना, सब इसके आगे फेल है, सब के सब। तो जय शंकर दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों होली इतने फंक्शन होते हैं पपरोला में, बैजनाथ में और पालमपुर में, सारे ऑफ हो चुके हैं। हमारी पपरोला में जितनी भी आइटम थी वो सारी हो गई, पर पालमपुर में पता नहीं क्या हुआ कि हमारी आइटम ही नहीं हुई। हमने रेडी की थी पूरी पूरी, एकदम अच्छी आइटम रेडी की थी और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। बच्चों ने तो दो ली चार या पाँच दिनों में अच्छी आइटम करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों ने फिर भी ट्राई की और अच्छी आइटम भी तैयार की थी, फिर भी नहीं हो पाया। थोड़ा दुख लगा, पर क्या करें, अब पता नहीं क्या सिस्टम है वहाँ का। तो गाइस आज मैं सुबह सुबह बाहर घूम रहा हूँ, सुबह सुबह की ठंडी हवा ले रहा हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत सही है, देख सकते हैं आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल तो गर्मी से बड़े बुरे हाल थे, पर आज मौसम सही है। चलिए चलते हैं अंदर। नितिन बना रही है शेक कद्दू का। पहले आपको बताता हूँ बनाते कैसे। देखिए पहले हमने उबाली है, थोड़े से उबाले हैं आधा ही गिलास पानी डाल के। तो फिर हमने ओनली दो सीटियाँ लगवानी है, तो दो सीटी लगने के बाद फिर इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों जिसमें आपने इसको उबाला होता है तो वो पानी वेस्ट नहीं करते, वो उसी जूस में डालना होता है। और फिर कद्दू ऐसे ऐसे डालेंगे। फिर हमने आधा गिलास दूध डालना है और फिर मिक्स कर देना है। दूध हमने थोड़ा डालना है, तो ऐसा नहीं कि अब इसको पूरा पूरा भर दो, क्योंकि दूध इसमें बाद ही मिक्स करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा हो चुका है, कितना गाढ़ा है, पर इसमें अभी दूध मिक्स करना है। चीनी कटोरी डाल दी इसने पूरी, तो बहुत सारा बनना है, तो अच्छा मीठा तो होना चाहिए ना, वो सारे बंदों का बनना है। चार पाँच छह गिलास बनेंगे इससे, छह गिलास जैसे मैंगो शेक बनता है सेम वैसे बनता है। फिर से इसको रख दिया गया है। तो फाइनली अब हम इसमें बाद में जो दूध ऐड करना था वो ऐड कर रहे हैं, फाइनली कर दिया और हमारा जूस रेडी हो चुका है। मेरा फेवरेट कद्दू का जूस। कद्दू का जूस, कद्दू का इतना टेस्टी होता है ना। जितने भी आप जूस पी होंगे आज तक ना, सब इसके आगे फेल है, सब के सब। तो जूस बना के दिखा दिया और पी नहीं रही है अब, पेड़ भर के अब दिखाता हूँ ये क्या कर रही है। तो फ्रेंड देख सकते हैं नितिन कैमरे की सफाई कर रही है, लैपटॉप भी काफी दिनों से गंदा हो गया था, तो इससे सीन क्या है, इसको हम लेमिनेट में करवा सकते हैं लैपटॉप को, और कैमरे को थोड़ी बहुत मना करवाई है, स्क्रीन पे करवाई है। पर आज हम ब्लॉगिंग करने गए थे ना, तो कैमरा बड़ा ही गंदा हो चुका था, तो मैंने बोला इसकी सफाई कर देना, तो नितिन इसकी सर्विस कर रही है, इसने लैपटॉप को चमका दिया, अब इसको इस कैमरे की कर रही है। चलिए चलते हैं एकेडमी। तो फाइनली गाइस मैं वापस पहुंच चुका हूँ रूम पे, और आज कैमरा निकालने का मौका नहीं मिला, काफी बिजी दिन था आज, और आप मुझे थोड़ा जल्दी आना था क्योंकि नितिन को फिर से घुमा लेके जाना था मैगजीन साइड में भी। आपको पता नहीं होगी मैगजीन का है, चलिए दिखाते हैं, वैसे उतरा रोड पे है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं मैगजीन, ये रही नितिन, ठीक है। और मैं पहुंच चुका हूँ, मैं अब आपको यहाँ जगह दिखाऊंगा जो मैंने और सूरज, मैंने सूरज को ने एक स्टंट मारने की जगह बनाई थी ऊपर ना, तो वहाँ दिखाता हूँ। वैसे है नहीं कुछ खास घूमने वाले, बीच की लोकेशन बड़ी अच्छी है, दिखाता हूँ हम कहाँ पहुँचे। हम पहुँचे मैगजीन, ये देख सकते हैं मैगजीन, मैगजीन। तो ये थी मैगजीन, इसकी बीच के बीच भी वो देखने के लिए बड़े मस्त थे, पर मैं बस टाइम कम था ना, अंधेरा हो गया था, जितनी ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि छोटा सा क्लिप, जहाँ हमने स्टंट करने के लिए पहली बार, जब हम बैक फ्लिप तक नहीं आती थी करने। तो दोस्तों जब हम इधर आए थे तो कुछ भी नहीं था, देखो अब ये हॉस्पिटल बन चुका है, डिस्पेंसरी बन चुकी है ना, और बहुत ही अच्छे से बनाई है, अभी तो बंद है। पर जब पिछली बार जब हम आए थे, तो जब मैं सूजक को आए थे इधर प्रैक्टिस करने, तो इधर कुछ भी नहीं था, बस प्लेन बंजर था। तो फिर हमने तो नहीं, तीन चार साल पहले था ऐसे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो अब देखो एक हॉस्पिटल बन गया अच्छे से, ये देखिए ये यहाँ जिस जगह की हमने खुदाई की थी बहुत पहले, अब देखो कैसी हो गई है, भुरभुरी सी है। हम वहाँ से आते थे वहाँ पीछे से,
और ऐसे ऐसे आना और इधर जाके फ्लिप मारनी इसमें, तो लगती नहीं थी। देखो अब कितना चेंज हो गया। इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इधर मैगजीन में एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसे, ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं, वो थोड़ी पीछे रह गया। मे भी आपने देखा होगा वीडियो में, नहीं दिखाया वीडियो वो कि नहीं दिखाया ऐसे में। इसकी पिटाई करने वाली होगी है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा घूम लिए हैं, अब निकलते हैं रूम के लिए वापिस। पहुंच चुका हूँ रूम पे, और आज मैंने पहली बार ब्लॉग इतनी लेट फिनिश किया होगा, 9 बजे, वरना तो मेरा ब्लॉग जो है 6-7-8 बजे तक खत्म हो जाता है। और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट, आज मैंने लेट ही स्टार्ट किया, आज ब्लॉग मैंने कम ही बनाया क्योंकि आज सारा दिन बिजी था। मैंने शाम को 2-3 बजे तक बनाना स्टार्ट किया है। पहले मॉर्निंग का जो शॉट लिया है वो मैंने पिछले कल लिया था, क्योंकि पिछले कल नहीं बना पाया था मैं इसीलिए। तो ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, जय शंकर, टेक केयर।